हेलो फ्रेंड्स, हमारी चैनल हिंदी सरल शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर में सामान्य वर्तमान काल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस देखेंगे। पहले हम टेंस यानी काल का परिचय ले लेते हैं। किसी वाक्य को वर्ब के बिना पूरा नहीं माना जाता। कार्य के विवरण को स्पष्ट करने के लिए वर्ब का रूप बदलता है। वर्ब के रूप से कार्य और समय का पता चलता है। टेंस से पता चलता है कि कार्य चल रहा है, पूरा हो चुका है, घटना बीत चुकी है या आने वाले समय में होने वाली है। तो इसी पर हम इनडिफिनिट टेंस काल के मुख्य तीन प्रकार देखेंगे। पहला है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान समय को सूचित करता है, जैसे आई प्ले यानी मैं खेलता हूँ। तो आज हम वर्तमान काल सीखेंगे। इसके अलावा दो प्रकार हम जान लेते हैं। पास्ट इनडेफिनिट टेंस भूतकाल, बीते समय को यह सूचित करता है, जैसे आई प्लेड, मैं खेलता था। तीसरा देखेंगे फ्यूचर इनडिफिनिट टेंस यानी भविष्यकाल। तो आने वाले समय को ये सूचित करता है, जैसे आई विल प्ले, तो मैं खेलूंगा। आज हम वर्तमान काल इस वीडियो में देखेंगे। सामान्य वर्तमान काल प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस से का होना प्रकट होता है। कार्य पूर्ण या अपूर्ण है उसकी जानकारी नहीं मिलती। इनडिफिनिट टेंस का प्रयोग स्वाभाविक कार्य साधारण सच प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसीलिए सामान्य वर्तमान काल या अनिश्चित वर्तमान काल भी कहा जाता है। जैसे कुछ वर्ड यहां दिए गए हैं, डेली, जनरली, यूजुअली, ऑफन, एवरीडे, समटाइम, एवरी ईयर, रेयरली, ट्वाइस अ वीक। ऐसे शब्दों से हमें पता चलता है सामान्य वर्तमान काल है। ही सी इट के साथ एस ई एस और आई ई एस लगता है और आई वी यू दे हो तो क्रियापद का असली रूप रखा जाता है। ता ते ती के बाद है, हो और हूं आता है। यहां पर अब हम कुछ वाक्य सामान्य वर्तमान काल के देखेंगे। दे प्ले क्रिकेट डेली, वे प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं। तो यहां पर यह हैबिट को दर्शाता है और हैबिट को दर्शाता हुआ काल है सामान्य वर्तमान काल। आई रीड अ बुक एवरी डे, मैं प्रतिदिन एक किताब पढ़ता हूं। तो यहां पर भी एवरी डे से हमें पता चलता है कि सामान्य वर्तमान काल है और ये भी एक हैबिट है। आई लिव इन अहमदाबाद, मैं अहमदाबाद में रहता हूं। वी लिव इन अहमदाबाद, हम अहमदाबाद में रहते हैं। सोनल लिटिल सिस्टर क्राइज, सोनल की छोटी बहन रड़ती है। माय अंकल लिव्स इन अहमदाबाद, मेरे अंकल अहमदाबाद में रहते हैं। हैन लेज एग एवरीडे, मुर्गी प्रतिदिन
अंडा देती है। माय अंकल लिव्स इन अहमदाबाद। मेरे अंकल अहमदाबाद में रहते हैं। तो यहां पर ता ते ती जैसे वाक्य को दर्शाते हुए सामान्य वर्तमान काल है, और ऐसे ही डेली, जनरली, यूजुअली, ऑफन, एवरीडे, समटाइम, एवरी ईयर, रेयरली, ट्वाइस अ वीक सामान्य वर्तमान काल को दर्शाते हैं। आगे हम थोड़े ऐसे ही वाक्य देखेंगे समय दर्शक शब्द के साथ। माय ब्रदर गोज टू लाइब्रेरी एवरी इवनिंग। मेरा भाई प्रतिदिन शाम को पुस्तकालय जाता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में निकलता है। तो सनातन सत्य दर्शाता हुआ यह है। नाइन कम्स आफ्टर एट। नौ के बाद आठ आता है। ये भी सनातन सत्य दर्शाता हुआ वाक्य है। सचिन प्लेज वेल टुडे। सचिन अच्छा खेलता है। कमेंट्री अहवाल में जब भी ये वाक्य बोले जाते हैं तो वो सामान्य वर्तमान काल में होते हैं। आई टेक कॉफी। मैं कॉफी पीता हूं। ही स्पीक्स द ट्रूथ। वह सच बोलता है। वी गो टू दिल्ली नेक्स्ट संडे। हम आने वाले रविवार को दिल्ली जाने वाले हैं। तो भविष्य की निश्चित बात दर्शाने के लिए भी सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। माय लिटिल ब्रदर स्टार्ट्स स्कूल टुमारो। द बस लीव्स इन 5 मिनट्स। द न्यू शॉप ओपन्स दिस संडे। नेक्स्ट वीक आई गो ऑन हॉलीडे टू मनीला। आगे देखते हैं क्रियापद मुख्य हो तो एम इज आर का प्रयोग नहीं करना। यहां पर देखते हैं आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, यू स्पीक, He speaks, she speaks, it speaks, or they speak. I am in the school. We are in our school. You are my best friend. क्रियापद सहायक हो तो I plus am, we, you, they plus are का प्रयोग करते हैं। जैसे द टीचर इज थिन, सी इज टॉल लेडी, इट इज फैट डॉग, दे आर चिल्ड्रन। अब देखते हैं प्रश्नार्थ वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना इस प्रकार है। डू डज प्लस सब्जेक्ट कर्ता प्लस वर्ब क्रियापद प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म। एम आई अ टीचर। क्या मैं शिक्षक हूं। डू यू थिंक अबाउट डेथ। क्या तुम मृत्यु के बारे में सोचते हो। डज दिशा स्पीक इंग्लिश। दिशा इंग्लिश बोलती है। Do you speak the truth? क्या तुम सच बोलते हो। Do the children listen the story? बच्चे कहानी सुनते हैं। Does जयदीप live in विठलगढ़। क्या जयदीप विठलगढ़ रहता है। Do they teach us English? क्या वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। डज डॉग बार्क। क्या कुत्ता भौंकता है।
अब हम WH वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। WH वाले शब्द प्लस MES आर और डू डज प्लस सब्जेक्ट कर्ता प्लस क्रियापद प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म और अदर वर्ड्स, यह इसकी वाक्य रचना है। तो WH वाले जो वर्ड्स होते हैं वो देख लेते हैं, व्हाट यानी क्या, वाई यानी क्यों, WHO हु यानी कौन, हुज किसका, हुम किसको, विच कौन सा, वेर कहाँ और वेन कब, हाउ कैसे, हाउ मैनी कितना, हाउ मच कितना। तो काउंटेबल हो तो हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे और अनकाउंटेबल हो तो हाउ मच का प्रयोग करेंगे। हाउ लॉन्ग यानी कब तक, हाउ फार यानी कितनी दूर, हाउ टॉल यानी कितना लंबा। थोड़े से वाक्य देख लेते हैं। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, वेयर आर यू लिविंग, तुम कहाँ रहते हो, वेयर इज ही गो, वह कहाँ जा रहा है। नकार वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नकार वाक्य बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है। मुकेश डज नॉट स्पीक इंग्लिश, मुकेश अंग्रेजी नहीं बोलता। दे डू नॉट टेल द स्टोरी, वे कहानी नहीं कहता। आई डू नॉट लाइक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश अच्छा नहीं लगता। प्रश्न के साथ नकार वाक्य देख लेते हैं। डज ही नॉट कम, क्या वह नहीं आया। डू आई नॉट टेक टी, क्या मैं चाय नहीं पीता हूं। सेल्फ एक्टिविटी, स्वयं सीखे। तो यहां पर थोड़ी सी ब्लैंक दी गई है, आपको स्वयं सीखना है। अगस्त ब्लैंक आफ्टर जुलाई, तो यहां पर कम का क्रियापद सही तरह से लगाना है। दिशा ब्लैंक टू टेम्पल डेली, गो। श्रेया ब्लैंक वेल, सिंह का प्रयोग करना है। दे ब्लैंक क्रिकेट एवरी डे, तो यहां पर प्ले का सही तरह से लगाना है। माय मदर ब्लैंक मी, लव का यहां पर क्रियापद लगाना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसे ही हमारे अगले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।